मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर झूलन उत्सव के दौरान वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान वो पारंपरिक परिधान में नृत्य करते हुए नजर आए और उनके इस नृत्य को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। प्रभु राधारमण लाल के सामने हेमा की नृत्य सेवा को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा था। बता दें कि हेमा मालिनी मथुरा से दूसरी बार सांसद चुनी गई हैं। वृंदावन में ठाकुर राधारमण मंदिर के चौक में हेमा मालिनी ने सबसे पहले गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया, फिर वंशी विभूषित करार श्लोक पर अपने भाव भंगिमाओं से भगवान राधारमण लाल को रिझाया। इस दौरान उनको देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। हेमा ने मधुराष्टकम के पदों पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रस्तुति दी। उनके इस नृत्य ने समा बांधा। इसके अलावा उन्होंने यमुना तीरे धीर समीरे भजन पर नृत्य प्रस्तुत किया। राधारमण मंदिर में सांसद हेमा मालिनी ने हरि बोल के संकीर्तन पर भी शानदार नृत्य प्रस्तुत कर संगीत प्रेमी लोगों और भक्तों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान राधारमण लाल का बंगला पुष्पों से सजाया गया और उनकी विशेष पूजा के साथ भोग सेवा भी की गई। इस मौके पर मंदिर के सेवायत शरद चंद्र गोस्वामी और अभिषेक गोस्वामी ने सांसद हेमा मालिनी का स्वागत किया। साथ ही मथुरा के DM सर्वगीराम मिश्रा, CEO सदा रमेश तिवारी आदि लोग भी उपस्थित रहे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.